सूरत एयरपोर्ट जब से तैयार हुआ है तब से इसके सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी की मांग किया जा रहा था, जिसके कारण उड्डयन मंत्रालय द्वारा सूरत एयरपोर्ट को CISF के जवानों के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। CISF के जवानों द्वारा आज से ही इसका चार्ज लिया गया है। इस मौके पर गुजरात BJP अध्यक्ष CR पाटिल भी हाजिर थे। तो चलिए देखते हैं आगे का रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर से, सूरत से। नमस्कार मित्रों, आज सूरत एयरपोर्ट पर CISF की सिक्योरिटी आप सूरत एयरपोर्ट ने वु सिक्योर वु मजबूत सिक्योरिटी एमने आज प्राप्त थी है। एना हूँ सूरत शहरीजनों ने खूब खूब अभिनंदन आपू छू। 2003 थी एयरपोर्ट पर सतत पुलिस सफलतापूर्वक कोईपण अनिच्छीय बनाव बनया वगर जे रीते सिक्योरिटी आपी है, एट्ला सूरत शहर पुलिस ने खूब खूब अभिनंदन आपू छू। अने आवनारा दिवसों में वधु अलग अलग एरलाइन्सों सूरत थी हवे पोताना एरलाइन्स चालू करशे, पोताने फ्लाइट चालू करशे एवो मने विश्वास छे। केम के केटलीक एरलाइन्सों ने CISF नी सिक्योरिटी नहीं होवाने कारणे लोको आवता जे खचकाता हता हवे एनो खचकाट दूर थई जशे अने सूरत ने वधु फ्लाइट नी पण सुविधाओ एनाथी प्राप्त थशे। हुं फरीथी सूरतना શહેરીજનોને, પોલીસને, CISFના જવાનોને અભિનંદન સાથે આજે નવી સિક્યોરિટી પ્રાપ્ત થઈ છે એના માટે એમાં નિમિત્ત બનેલા પોલીસ કમિશનર જે તે સમયના શ્રી અસ્થાના સાહેબ, વિજય રૂપાણી સાહેબ, જગતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ, હાલના મુખ્યમંત્રી અને અમારા ગૃહમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી એમણે જે રીતે મદદ કરી એના માટે જે સરકાર રાજ્ય સરકારનું બજેટ આપતી હોય છે ફાળી આપ્યું એના માટે સર્વેનો પણ આભાર માનું છું। ધન્યવાદ। સિરિયલમાં